तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर गया हूँ, आज हमारे जो डेट सेट के ऊपर टॉपिक है, ये आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है और वो मोबाइल फोन डेड हो जाता है, कस्टमर डेड मोबाइल फोन लेकर के आता है। तो डेड मोबाइल फोन में हमने सारा सब कुछ चेक कर लिया, सारा सब कुछ चेक करने के बाद आज हम लोग दोस्तों जो समझने वाले हैं कि हमारे पास जो डेड फोन आया है, उस डेड मोबाइल फोन के अंदर उसमें जो समस्या है वो हार्डवेयर से है या मोबाइल फोन में समस्या सॉफ्टवेयर से। आज दोस्तों जो मैं अपने टॉपिक में बताने वाला हूं कि हमारे पास जो भी डेड मोबाइल फोन है, उस डेड मोबाइल फोन के अंदर फोन तो बंद है, फोन डेड हो गया, तो उस डेड मोबाइल फोन के अंदर समस्या हार्डवेयर से है कि सॉफ्टवेयर से, ये आप लोग कैसे पहचानेंगे कि उस मोबाइल फोन में हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, आपको हार्डवेयर से रिपेयर करना चाहिए, या मोबाइल फोन में समस्या सॉफ्टवेयर से है तो आपको सॉफ्टवेयर से रिपेयर करना चाहिए। दोनों चीजों को आप अलग अलग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इस चीज के टॉपिक के ऊपर मैं आज आपको वीडियो देने वाला हूं। ये आज आप वीडियो डेड सेट के ऊपर ही है कि ऐसे बहुत बंद मोबाइल फोन आते हैं जिसमें से हम लोग ये नहीं समझ पाते कि फोन हमारा डेड किस प्रॉब्लम की वजह से है, और हम लोग गलत रिपेयरिंग कर देते हैं, गलत कदम उठा देते हैं जिससे हमारा मोबाइल फोन डेड हो जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक स्टोर कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहां पर आपको मोबाइल फोन लैपटॉप ऐसे रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं। और अगर आप इस क्लास से संबंधित डेमो वीडियो लेना चाहते हैं या क्लास को देखना चाहते हैं, तो जो आपने वीडियो देखा है इससे संबंधित मैंने बहुत सारा वीडियो डाल रखा है, वीडियो को वॉच करें, वीडियो के माध्यम से सीखें। ये सारे इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आप काफी कुछ सीख सकते हैं, काफी मोबाइल फोन रिपेयरिंग कर सकते हैं, जिसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने सीखा भी है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज लोग वीडियो के माध्यम से काफी सीख करके कुछ अपना अच्छा काम कर रहे हैं, उन लोगों ने कहीं और से सीखा या अपना किसी दुकान पर रह करके सीखा लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाए, लेकिन उन लोगों को काफी चीजें हेल्प मिली। उसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने मेरे पास ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया है, सीखने के लिए अपने क्लास के लिए स्टार्टअप किया है, और वो कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स वो सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं और टॉपिक को समझते हैं कि हम लोग डेड मोबाइल फोन को कैसे रिपेयर करेंगे, डेड मोबाइल फोन को रिपेयर करने का तरीका क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में हम लोग दोस्तों समझेंगे। इससे पहले मैंने कम से कम 10 से 15 वीडियो आपको मैं इस टॉपिक के ऊपर दे चुका हूं, आप उन वीडियो को देखें, उन वीडियो के माध्यम से समझें। अगर सारी वीडियो को देखेंगे तभी आप मोबाइल फोन को रिपेयरिंग कर सकते हैं। डेड फोन के ऊपर जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम अपने स्टूडेंट को 50 टॉपिक, इसी तरीके से जो मैंने आपको ये टॉपिक आज लिया हुआ है, इसी तरीके से मैंने 50 टॉपिक हम डेड मोबाइल फोन के ऊपर सभी बच्चों को बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आपके पास कोई भी डेड मोबाइल फोन आता है, अब वो मोबाइल फोन बंद हो जाता है, अब वो मोबाइल फोन ऑन नहीं होता है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, मोबाइल फोन को खोलिए। मोबाइल फोन को खोलने के बाद सबसे पहला काम है आप उसको बैटरी को चेक करेंगे। क्या करेंगे, कोई भी मोबाइल फोन आया डेड हैंड सेट है, तो आप सबसे पहला फर्स्ट आपका क्या काम बनता है, आप उसकी बैटरी को चेक करें। पहला काम बैटरी चेक करें। अगर आपने मोबाइल फोन की बैटरी को चेक कर लिया, अब बैटरी चेक करने के बावजूद भी आपका मोबाइल फोन नहीं हो रहा है, तो आप सबसे पहले दूसरा काम क्या करिए, आप मोबाइल फोन में से फोन को डीसी सप्लाई मशीन से चेक करिए। बैटरी कनेक्टर में आप बैटरी को चेक करें, बैटरी कनेक्टर को भी चेक करें। बैटरी कनेक्टर में चेक करने पर आपको जो रीडिंग मिलनी चाहिए 250 से 500 मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ से आपकी जो रीडिंग शो करेगा वो 1 शो करेगा। तो बैटरी कनेक्टर में एक तरफ से 250 से 500 वैल्यू, दूसरी तरफ से 1 दिखाएगा, और जब आप डीसी सप्लाई मशीन से चेक करेंगे और बूट केबल के माध्यम से, आप डीसी सप्लाई मशीन को 4 वोल्ट 3 एम्पीयर पर सेट करेंगे। 4 वोल्ट 3 एम्पीयर पर सेट करने के बाद जब आप चेक करेंगे तो आपकी रीडिंग जो है 60, 70, 80 इस तरीके से जा करके स्टक हो जाएगी, ऐसे जा करके स्टक हो जाएगी। दूसरी बात क्या है, आप जब भी आप मोबाइल फोन लेंगे, उस मोबाइल फोन को चालू करेंगे तो मोबाइल फोन चालू नहीं होगा, कुछ कंडीशन नहीं होगा, लेकिन उस मोबाइल फोन को जब आप सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो आपका मोबाइल फोन पोर्ट बनाएगा। क्या बनाएगा भैया, आपका मोबाइल फोन पोर्ट बनाएगा। जब आपका मोबाइल फोन पोर्ट बना रहा है, अब पोर्ट कहां पर बनाएगा, डिवाइस मैनेजर में। कैसे, आप दिस पीसी में जाएंगे,
इसमें राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन खुलेगा डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में जाकर के फोन की कनेक्टिविटी दिखाएगा, ये दिखाएगा भैया मोबाइल फोन कनेक्ट हो रहा है लेकिन फिर भी आपका मोबाइल फोन चालू नहीं। अगर आपका मोबाइल फोन सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है और सिस्टम से कनेक्ट होने के बाद भी अगर आपका मोबाइल फोन चालू नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइए उस मोबाइल फोन में जो प्रॉब्लम है उसके अंदर एमएमसी से संबंधित प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम दोस्तों कैसे है, एमएमसी से संबंधित। एमएमसी से संबंधित का मतलब होता है या तो पहली सिचुएशन हो सकती है कि उस मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है। सॉफ्टवेयर करप्ट होने का मतलब बोले तो ओएस, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है, करप्ट हो सकता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन आती है कि उस मोबाइल फोन का बूट डेड हो सकता है। अब बूट डेड, बूट क्या चीज है, बूट क्या डेड होता है, मैं आपको इसके बारे में भी मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो पहले आप समझिए कि मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, ओएस करप्ट हो जाएगा तो आपका हैंडसेट डेड मरेगा या थोड़ा सा ब्लिंक करेगा मोबाइल फोन बंद हो जाएगा या लोगो लिख करके आएगा मोबाइल फोन बंद हो जाएगा, ये तो मोबाइल फोन या चालू नहीं होगा। लेकिन हाँ, जब आप इस मोबाइल फोन को लेंगे, इस मोबाइल फोन को चालू करेंगे तो ऑन नहीं होगा, लेकिन जब सिस्टम से कनेक्ट कराएंगे तो आपका मोबाइल फोन पोर्ट बनाएगा। अगर आपका मोबाइल फोन पोर्ट बनाता है तो आप समझ जाइए कि आपके मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर से ही प्रॉब्लम है, आपके मोबाइल फोन में हार्डवेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले आपने क्या कर लिया, सॉफ्टवेयर करप्ट है। दूसरा आपका क्या है, उस मोबाइल फोन का बूट डेड हो गया है। उसके बाद तीसरी सिचुएशन आती है, उस मोबाइल फोन की एमएमसी आईसी भी खराब हो जाती है। अगर एमएमसी आईसी खराब हो जाएगी तो भी आपका हैंडसेट डेड हो जाएगा, लेकिन मोबाइल फोन दोस्त कनेक्टिविटी शो करेगा, आपका मोबाइल फोन सिस्टम पर कनेक्टिविटी को दर्शाएगा, कनेक्टिविटी दिखाएगा। पांचवी कंडीशन आती है कि बूट फाइल मिस हो जाती है। अच्छा, बूट डेड और बूट फाइल मिस होने में बहुत अंतर है। अगर आपके मोबाइल फोन का बूट डेड हो जाता है तो बूट डेड होने को एक बार ऑन करने का वहीं पर चांस होता है। अगर बूट फाइल मिस हो जाती है तो बूट फाइल मिस होने का मतलब होता है, बूट फाइल मिस होने के दो रीजन होते हैं। एक तो पहली बात, बूट फाइल तब मिस होती है जब उसमें से कोई फ्लैशिंग करता है, फ्लैशिंग करते समय सेट बीच में रुक जाता है, तब बूट फाइल मिसिंग आ जाती है। दूसरी बात क्या है, बूट फाइल इसलिए भी मिस हो जाती है कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर हमने कोई अपडेट किया और अपडेट करते समय हमारा मोबाइल फोन पर अपडेट होने के बाद सिंक्रोनाइज होता है, उस कंडीशन पर उसका बैटरी डेड हो जाए या कुछ भी ऐसा कारण हो जाए, मोबाइल फोन हैंग हो जाए, रुक जाए, स्टॉप हो जाए, बैटरी खोल करके निकाल दी जाए, बंद हो जाए, तब भी आपके मोबाइल फोन की बूट फाइल क्या हो जाती है, मिस हो जाती है। बूट डेड, बूट फाइल मिस होने में बहुत अंतर है। अगर बूट डेड हो जाता है तो एक बार उसी बूट एक्नॉलेजमेंट को लेकर के इनेबल करके ऑन किया जा सकता है, लेकिन बूट फाइल मिस हो जाती है तो दोस्त बूट फाइल डालनी पड़ती है। वो तो यूएफआई का ही टॉपिक आता है, यूएफआई के माध्यम से हम लोग इसको रिपेयर करते हैं। उसकी पांचवी कंडीशन होती है एमएमसी आईसी की हेल्थ खराब हो जाती है। मतलब एमएमसी आईसी काफी पुरानी हो जाती है। काफी पुरानी का मतलब होता है कि मोबाइल फोन 3 साल 4 साल 5 साल पुराना हो जाता है, तो उसके अंदर बार बार उसको रीड राइट किया जाता है तो उसकी एमएमसी की हेल्थ खराब हो जाती है। जब हेल्थ खराब हो जाती है तो मोबाइल फोन 90% कंज्यूम पे चला जाता है और मोबाइल फोन आपका ये तो लोगों पे खड़ा हो जाता है, और जैसे कोई फ्लैशिंग करता है तो फ्लैशिंग करते हुए मोबाइल फोन बंद हो जाता है, क्योंकि भाई 90% कंज्यूम है, तुमने मोबाइल फोन में जैसे फ्लैशिंग मारा, सॉफ्टवेयर लिया नहीं, मोबाइल फोन डेड हो गया। अब आप उसको जिंदगी भर फ्लैशिंग करते रहे, होने वाला नहीं है, क्योंकि मोबाइल फोन की एमएमसी की हेल्थ क्या है, खराब हो गई है, उसमें से 90% कंज्यूम। ऐसी सिचुएशन आएगी या उस मोबाइल फोन का ना, इन तरीकों से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारा हैंडसेट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। जब हमारा हैंडसेट डेड हो जाता है तो उस डेड हैंडसेट को हम लोग एमएमसी आईसी को चेंज करते हैं या एमएमसी आईसी के प्रोग्राम करते हैं, उसकी बूट फाइल को रिपेयर करते हैं, उसके अंदर ओएस को रिपेयर करते हैं, एमएमसी को हेल्थ को रिपेयर करते हैं, सारे कंज्यूम जो प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्व करते हैं, एमएमसी आईसी को प्रोग्राम करते हैं, ये सारा सब कुछ करने के बाद तब हमारा हैंडसेट ऑन होता है। इस कंडीशन को बोलते हैं कि आपका मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर की वजह से डेड हो गया है। किस वजह से दोस्तों आपका मोबाइल फोन डेड था, सॉफ्टवेयर की वजह से। अगर सॉफ्टवेयर की वजह से मोबाइल फोन डेड हो जाता है तो आप ये जितने भी सारे काम दोस्तों मैंने आपको बताए हैं, ये सारे काम करेंगे। मैं इसका एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाता हूं। अब सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं कि बूट फाइल क्या चीज होती है। सबसे पहली बात क्या, जो हमारे मोबाइल फोन का ना एमएमसी आईसी होती है,
एमएमसी, एक हमारे मोबाइल फोन का स्टोरेज आईसी है। इस स्टोरेज आईसी की अगर आप बात करेंगे इस तरीके से स्टोरेज आईसी हमारी बनी होती है। स्टोरेज आईसी के कई अलग अलग तरीके से पार्ट होते हैं, इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं पार्टीशन, जिसमें से सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो होता है बूट सॉफ्टवेयर। ये बूट सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको किसी कंपनी ने बना करके दिया। कंपनी का मतलब होता है जो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी। कौन सा कंपनी? हार्डवेयर। दोस्तों कौन सी कंपनी? हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी ने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है। हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी का मतलब जैसे सैमसंग का मोबाइल फोन है तो सैमसंग ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, एमआई का मोबाइल फोन है तो एमआई ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, वीवो का मोबाइल फोन है तो वीवो ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया, इन्फिनिक्स का मोबाइल फोन है तो इन्फिनिक्स ने सॉफ्टवेयर बनाया, टेक्नो का मोबाइल फोन है तो टेक्नो ने सॉफ्टवेयर बनाया। मतलब जिस कंपनी का मोबाइल फोन है उस कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर को क्या किया? बनाया। जैसे उस कंपनी अपने सॉफ्टवेयर को क्रिएट करती है, अपने सॉफ्टवेयर को बनाती है, उसी तरह से आपका मोबाइल फोन में अगर इन्फिनिक्स का फोन होगा तो पहले इन्फिनिक्स लिख करके आएगा, उसके बाद लिख करके आता है दोस्तों पावर बाई एंड्रॉयड, तब ओएस का काम चालू होता है। तो ये बूट सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी देती है, जिसमें हार्डवेयर की सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। रैम रोम कितना है, मोबाइल फोन में आवाज कितना बढ़ेगा, मोबाइल फोन में सारी सेटिंग्स जो होती है, हार्डवेयर की जो सेटिंग्स होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो टेक्निकल चीजें होती है वो सब इसके अंदर फिट होती है। तो ये हमारा पहला कौन सा होता है? बूट सॉफ्टवेयर। बूट सॉफ्टवेयर के बाद फिर आपका दूसरी चीज आती है जिसमें होता है तुम्हारा ओएस। ओएस का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हम लोग बता रहे थे कि एमएमसी आईसी जो होती है, एमएमसी आईसी के हमारे अलग अलग क्या होते हैं? पार्टीशन होते हैं। क्या होते हैं? पार्टीशन होते हैं। इसी पार्टीशन के अंदर ही हमारा एमएमसी आईसी के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर स्टोर होता है। जैसे सबसे पहला फर्स्ट पार्टीशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बूट सॉफ्टवेयर। ये जो बूट सॉफ्टवेयर होता है ये हमारे एमएमसी आईसी का जो होता है ये फर्स्ट पार्ट होता है। इस बूट सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे एमएमसी आईसी के अंदर हार्डवेयर की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन क्या होती है इसके अंदर सेव होती है, जिसी को हम लोग बोलते हैं बूट फाइल। अगर इस बूट फाइल की बात करेंगे तो इस बूट फाइल का जब हम लोग जिक्र करते हैं तो इस बूट फाइल के अंदर चार अलग अलग तरीके की फाइलें आती हैं। सबसे पहली फाइल आती है जिसका होता है बूट वन, बूट टू, ईएक्सडी, सीएसडी, यूजर एरिया। इस तरीके से चार फाइलें आती हैं, वन टू थ्री फोर, ये चार फाइलें आती हैं। ये बूट फाइल जो होती है ये कौन बना करके देती है? जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है, जो मोबाइल फोन ने मोबाइल फोन को बनाया है, उस मोबाइल फोन के अंदर वो अपनी हार्डवेयर की सारी इंफॉर्मेशन को इसके अंदर सेव करता है। उसके बाद सेकंड चीज जो होता है उसके अंदर होता है ओएस। ओएस को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है ओएस फाइल होती है, ओएस फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको जो बनाया है इसको एंड्रॉयड ने बनाया है। एंड्रॉयड मतलब गूगल, गूगल ने इसको क्रिएट किया है। फिर उसके बाद थर्ड चीज होती है जिसमें आपका रैम होता है। रैम का मतलब होता है स्पेसिफिक एक एरिया छोड़ा जाता है जो हमारे मोबाइल फोन के जितने भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं सारे सॉफ्टवेयर को मूव कराता है, रन कराता है, चलाता है, ऑपरेट कराता है, उनको रन करने में मदद करता है। उसके बाद चौथी चीज आती है आपका स्पेस। स्पेस का बोले तो यूजर एरिया डाटा। ये सारी चीजें जो होती है वो हमारे एमएमसी आईसी के अंदर फिट करी जाते हैं। इसी को हम लोग जब सब फिट कर देते हैं उसी को बोलते हैं प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक था कि आज हम लोग जो वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक सीख रहे थे ये सीख रहे थे कि कोई भी डेड सेट आता है, कोई भी डेड मोबाइल फोन आता है, उस डेड मोबाइल फोन को हम लोग ये कैसे पहचानते हैं कि उस मोबाइल फोन में समस्या हार्डवेयर से है, उस मोबाइल फोन में समस्या सॉफ्टवेयर से है। तो दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक था कि डेड मोबाइल फोन को हम लोग कैसे पहचानते हैं कि उसमें समस्या हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर से है। और चलिए दोस्तों मेरे पास एक मोबाइल फोन है, अब इस मोबाइल फोन ऐसी सिचुएशन पे इस मोबाइल फोन को मैं ऑन करता हूं तो मोबाइल फोन चालू नहीं हो रहा है। अब इस मोबाइल फोन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बार सिस्टम से कनेक्ट कराएंगे। सिस्टम से कनेक्ट कराने के लिए दोस्तों मैं मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट करा लेता हूं, एचडीएमआई केबल लगाता हूं। एचडीएमआई केबल लगाने के बाद इस मोबाइल फोन को सिस्टम से कनेक्ट कराएंगे।
जैसे मोबाइल फोन को सिस्टम पे कनेक्ट करेंगे हम लोग सिस्टम स्क्रीन पे आ जाएंगे। हमने साइन इन किया, सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, माई कंप्यूटर में जाएंगे। कहां पर जाएंगे दोस्तों, माई कंप्यूटर में जाएंगे। माई कंप्यूटर पे जाने के बाद यहां पर ऑप्शन आता है मैनेज का, मैनेज पे जाएंगे। मैनेज के अंदर ऑप्शन आता है डिवाइस मैनेजर का, इसका ऑप्शन आता है डिवाइस मैनेजर का। ये देखिए दोस्तों आ रहा ऑप्शन डिवाइस मैनेजर का। इस डिवाइस मैनेजर पे ऑप्शन पे जाकर के आप अपने मोबाइल फोन को कनेक्ट कराएंगे। अगर आपका मोबाइल फोन कनेक्टिविटी ले रहा है, अगर आपको मोबाइल फोन पोर्ट बना है तो दोस्तों आपका मोबाइल फोन जिंदा है, कॉम्बो चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया, उसके बावजूद भी आपका मोबाइल फोन चालू नहीं हो रहा है। आपने क्या किया, मोबाइल फोन में प्लस माइनस दबाया, डाटा केबल को लगाया, देखो मोबाइल फोन कनेक्ट हुआ। मोबाइल फोन कनेक्ट होने का मतलब होता है हमारा मोबाइल फोन पोर्ट बनाया, ये मोबाइल फोन पोर्ट बना रहा क्वालिकॉम HSQ लोडर 9008 कॉम 12। इसका मतलब क्या है, ये हमारा मोबाइल फोन हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, हार्डवेयर की जो इन्फॉर्मेशन है उस हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन को शो कर रहा है। यह प्रदर्शित कर रहा है कि भाई हार्डवेयर तुम्हारा शो हो रहा है, क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अगर आपके पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, उस मोबाइल फोन को लिया, मोबाइल फोन के लेने के बाद जैसे ही आपने प्लस माइनस डाटा क्यूब लगाया और मोबाइल फोन को लगाया, मोबाइल फोन ऑन नहीं है, हैंडसेट हमारा डेड है, DC पे जाकर के 60-70 रीडिंग पे जाकर स्टक मार रहा है। हमने लिया, इस तरीके से क्वालिकॉम HSQ लोडर कॉम है। तो ये मोबाइल फोन ऐसी कंडीशन पर हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करेंगे। जैसे आप मोबाइल फोन में फ्लैशिंग करेंगे, फ्लैशिंग करने से आपके मोबाइल फोन पूरा हैंडसेट ऑन हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं ऑन होता तो फ्लैशिंग करते समय एरर जनरेट करता है, अगर सिस्टम फाइल नहीं चढ़ती है, डिटेक्टिंग चिप फेल आता है, तो ऐसे सिचुएशन पर हम लोग मोबाइल फोन में उसको बोलते हैं कि इसमें MMC की प्रॉब्लम है, फिर MMC को उतार करके हम लोग उसको प्रोग्रामिंग करते हैं, MMC IC को प्रोग्राम करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो ये दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये पहचानते हैं, अगर आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हो रहा है तो फिर आपको मोबाइल फोन में मदरबोर्ड में कुछ रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या रिपेयर करने की जरूरत है, आपको सॉफ्टवेयर रिपेयर करने की जरूरत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि हमारे पास कोई भी हैंडसेट आता है, उस हैंडसेट के अंदर सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, कुछ मोबाइल फोन में हार्डवेयर की प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों को हम लोग कैसे रिपेयर करेंगे, उसका तरीका जानेंगे, उसके बारे में दोस्तों वीडियो दिया है। इससे पहले डेड फोन के ऊपर कम से कम मैंने 12-15 टॉपिक में आपको वीडियो दे चुका हूँ और काफी वीडियो में आपको देने वाला हूँ, ताकि वीडियो के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितने भी सारे स्टूडेंट लोग हैं जो सीखने आने वाले हैं वो तरीका देख सकें कि सर को सिखाने का तरीका क्या है, सर किस तरीके से सिखाते हैं और कैसे हम लोग मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स सीख करके जाएंगे। इसमें तो काफी ऐसे स्टूडेंट जो साल हो गया, 2-2 साल हो गया, 6-6 महीने हो गया वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, काफी कुछ वीडियो के माध्यम से सीख पा रहे हैं या कुछ नहीं सीख पा रहे हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं सर के पास जाकर के ट्रेनिंग लूं या पूरा मोबाइल फोन कंप्लीट कोर्स को सीखूं तो यहाँ पर आकर के सीख सकते हैं। और ये जो ट्रेनिंग सेंटर पर था, ये कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से बहुत नजदीक है, 400-500-600 मीटर का दूरी का रास्ता है, 4-5 रुपए किराया लगता है, आप आराम से आ सकते हो, या पैदल वॉकिंग का भी डिस्टेंस है, पैदल पैदल आ सकते हो, अब मेरे पास आकर के सीख सकते हो। आज मेरे पास 2 स्टूडेंट लोगों ने कोर्स को ज्वाइन किया है, एक आसिफ है और एक का जमीर नाम है और वो झारखंड से रहने वाले हैं, उन्होंने आज अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स को स्टार्ट कर दिया है। काफी टाइम हो गया उनको मोबाइल फोन रिपेयरिंग की शॉप को चलाते चलाते, कुछ काम वीडियो के माध्यम से सीखा, कुछ कर पा रहे थे, फिर बाद में उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मैं सर पे जाकर के पूरा कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स सीखता हूँ और पूरा कोर्स सीखने के बाद फिर अपनी शॉप को अच्छी तरीके से रन करूंगा और अच्छी तरीके से काम करूंगा। तो ये उन्होंने सीखने के लिए सोचा और आज उन्होंने फाइनली कोर्स को ज्वाइन किया, मोबाइल फोन रिपेयरिंग सीखने के लिए अपने कोर्स को स्टार्ट किया। तो इसी तरीके से जितने भी सारे लोग होते हैं सब लोग आते हैं और सीख करके जाते हैं, और ए से लेकर जेड तक जो भी मोबाइल फोन आते हैं मोबाइल फोन को बनाने का तरीका सीखते हैं, मोबाइल फोन को रिपेयर कैसे किया जाएगा। तो आप लोगों ने कनेक्टिविटी देख लिया ना कि कैसे हमने मोबाइल फोन को कनेक्ट करा है। इसी तरीके से आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है तो उस हैंडसेट को आप इस तरीके से आप मोबाइल फोन को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों जितने भी सारे वीडियो देता हूँ आप वीडियो को देखो, उन वीडियो को अच्छे से नोट करो, ताकि मैं चाहता हूँ कि जब आप कुछ सीख ही रहे हो तो कुछ अच्छे से सीखो, अच्छे से काम करो। जो लोग ऐसे लोग हैं जो लोग अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग की दुकान चला रहे हैं, दुकान करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, तो वीडियो को वॉच करें, वॉच करने के बाद अपना सीखने के लिए अच्छा काम करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, एक हमारे पास अभी स्टूडेंट हैं
और फिलहाल वो कुछ टाइम बाद सीखेंगे, और वो कलकत्ता के रहने वाले हैं, और आज वो अपना कानपुर आए थे, और एक लोग थे मतलब भैया थे, उनकी तबीयत खराब थी इसलिए आए थे, और उनका ट्रेन जो है वो कल है, तो आज मेरे पास यहीं पर स्टे करेंगे, और उनसे कम से कम मेरी बात होते होते 3-4 महीना 6 महीना हो गया, काफ़ी टाइम से बात होते होते, और फिलहाल वो आज आए हैं तो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। आ जाइए, मैं आपको मिला भी देता हूँ। इसी बहाने आप आए हैं तो बहुत अच्छे मौके पर आए, वीडियो पर भी आ जाएंगे और लोगों से भी मिल पाएंगे। सबसे पहले सर को नमस्कार। सबसे पहले मैं सर को नमस्कार करना चाहता हूँ। सर बहुत ही अच्छे हैं, और ये इंस्टीट्यूट आप देख सकते हैं, ETH इंस्टीट्यूट, जो कि कानपुर रेलवे स्टेशन के बहुत ही करीब है। आप इनके गूगल में रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं कि कितने अच्छे हैं, उससे पता लगेगा कि इंस्टीट्यूट कितना ऊंचाई पे चल रही है। और यहाँ बहुत सारे मिलेंगे इंस्टीट्यूट, लेकिन आप एक बार गूगल में सर्च करके देख लीजिए, ETH इंस्टीट्यूट है ना सर जी, बिल्कुल, और रिव्यू देख लीजिए। और सर बहुत ही अच्छे हैं, मैं कुछ काम से आया था फरुखाबाद कानपुर, और आज सर के पास ही रुक रहा हूँ। इतना ही कह के अपना वाणी को समाप्त करता हूँ, धन्यवाद सर। बिल्कुल, तो सर आए थे, और इनका अपना ट्रेनिंग का भी है कि मेरे पास कुछ दिन बाद क्लास स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज आए थे, थोड़ा सा इमरजेंसी ऐसी फंस गई कि इनको घर वापस जाना पड़ रहा है, वरना मेरे पास ये अपने भैया के पास इसीलिए आए थे कि सर यहाँ पर रुकूंगा और मैं यहाँ पर आपके पास रुक करके पूरा कोर्स सीखूंगा, पूरा कोर्स सीखने के बाद फिर मैं घर जाऊँगा। तो जो भी अपना पैसा लेकर गए थे वो तो काफ़ी पैसा, भैया की तबीयत ख़राब हो गई और कलकत्ता से रहने वाले हैं तो उनमें थोड़ा सा खर्चा हो गया, अब ये फिर घर वापस जा रहे हैं, हफ्ते 10 दिन बाद फिर वापस आएंगे। और इन्होंने मुझसे बोला कि सर मैं एक दिन के लिए रुक सकता हूँ, तो मैंने कहा बिल्कुल आप रुक सकते हो, क्योंकि हमारे पास जो भी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं और जिसने हमको गुरु अपना सर अपना माना हुआ है, या ETH इंस्टीट्यूट को माना हुआ है, या ETH में जितने सारे लोग आते हैं, तो उनको पूरी तरीके से उनको हेल्प मिलती है अगर उनको कभी कोई परेशानी कोई दिक्कत आती है। और मेरा एक चीज़ मानना है कि अगर हम लोग देखो इंसान है, इंसान का एक ही फर्ज बनता है कि हम लोग एक दूसरे की मदद करें। दुनिया जान में गाली तो आदमी कौन किसको नहीं देता, सबको देता है, लेकिन इंसानियत के नाते एक यही फर्ज बनता है कि सब एक दूसरे की मदद करें। आप भी किसी की मदद करिए, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी और आप भी अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे। हम और इंसान ही इंसान की क्यों मदद करता है, क्योंकि उसी के अंदर ऊपर वाले ने गुण दिया हुआ है कि भाई आप एक दूसरे के सपोर्टिंग रहें। और आप भी जो रिपेयरिंग करने वाले जितने भी सारे टेक्नीशियन हैं जो मोबाइल फ़ोन का रिपेयर कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में काम कर रहे हैं, तो वो भी एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि भाई सब लोगों का काम अच्छे तरीके से चलता रहे, वो भी अच्छे तरीके से काम करता रहे, उसको कोई परेशानी ना आए। और इसी तरीके से अगर आप इसी विचारधारा से काम करेंगे तो आप अच्छी अपने कस्टमर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने मार्केट में बिहेवियर को लेकर के हमेशा अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे। ये हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग का पूरा कोर्स सीख करके गए हुए हैं, अगर उनको कभी कोई प्रॉब्लम आती है कोई दिक्कत आती है तो आप हमको हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे सर इस लाइन में काफ़ी साल हो गया सिखाते सिखाते, मैं इस लाइन में 18 साल से पिछले 18 साल से ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो सभी स्टूडेंट जो सीख कर गए हैं अगर उनको कभी कोई प्रॉब्लम आती है कभी कोई दिक्कत आती है कोई समस्या आती है किसी कोर्स से रिलेटेड किसी क्लास से रिलेटेड कोई टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी डिस्कशन करता है करना है तो प्लीज़ आप इस नंबर पर डिस्कशन करें। ऐसा नहीं कि हमने ट्रेनिंग के लिए ही आपसे बात किया है, ट्रेनिंग के बाद अगर कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आती है तो भी आप हमसे मदद लें, या कोई काम ऐसा नहीं कर पाते, हो सकता है कि मैं पूरा दिन क्लास में बिजी रहता हूँ आपको कोई चीज़ नहीं बता पाता किसी कारणवश, अगर आपको 4 साल 5 साल 6 साल मेरे से सीखा हुआ है कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आ रही है कोई समस्या आ रही है तो आप इस में आएँ मिलें, एक दिन दो दिन का कोई क्लास है कोई डाउट्स है तो उस डाउट्स को भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और सीख करके फिर अच्छी तरीके से अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आए तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर इसी तरीके से अगर आप पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो भी आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में जो भी मैं सिखा रहा हूँ वीडियो को सीखें, वीडियो को शेयर करें, चैनल से सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नया नया वीडियो मिलता रहे। अगर हम आपको सीखने सिखाने में दोस्तों इतना मदद करते हैं कि हम आपको समय निकाल करके आधा घंटा एक घंटे का क्लास देते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट सीख जाएं अच्छी तरीके से काम कर पाएं, तो दोस्तों आप भी हमारी वीडियो को शेयर करिए और अच्छी तरीके से काम करिए। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।